वाला एक मिनट मेरी गल सुनो सुनाओ जी। सुके टुकर पीस के बच्चे नु खवाए, सुके टुकर पीस के क्यों नहीं सुखेगा? 3 महीने ਦਾ ਪੈਸੇ ਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਜੀ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ 1200 ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਘਿਓ ਲੈਣ ਗਿਆ 300 ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਚੀਨੀ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਏ। आप मजबूर हो गए हैं जी। और 3 महीने से कितनी पेंशन, कितनी आप? 12,000 रुपया। 12,000 में नहीं गुजारा होता, लेकिन इसके बावजूद आटे का थैला आ जाता है, आटे का थैला आ जाता है, किलो 2 किलो दाल आ जाएगी, बाकी चीजें आ जाएगी। कोई मिलता नहीं हमें, खुश होकर मिलता कोई नहीं है, क्या गरीब है, इससे क्या मिलना है? इसके घर कौन जाएगा कि जिसने घर में जाके चाय नहीं पिलानी, जिसने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਪੀਸ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਫੀਸਾਂ ਕੋ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪੱਖਾ ਔਰ ਪੱਖਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7,000 ਰੁਪਇਆ। ਬੇਟੀ ਕੇ ਜਹੇਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਖਰੀਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। मैं मुझे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के हवाले से नहीं कहना, मुझे वज़ीर ट्रांसपोर्ट से कुछ नहीं कहना, वज़ीर आला पंजाब से कुछ नहीं कहना, मुझे आप लोगों के ज़मीर को आवाज़ देनी है, आप लोगों के ज़मीर को आवाज़ देनी है। 8,900 रुपये पेंशन, 10,000 रुपये पेंशन, 12,000 रुपये पेंशन, उम्रें जो हैं इनकी उम्रें जो हैं 70-70 साल जो हैं यहाँ पर हो चुकी भी हैं, और ये 3-3 माह से यहाँ पर जो पेंशन मिलनी थी वो नहीं मिल रही, और यहाँ पर ये 1-2-3-4 लोग नहीं हैं, यहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग हैं। और मैं आपको नवीन सर दिखाना चाह रहा हूँ, ये दिखाइएगा, मैं ये देखिएगा, ये देखें इनकी, ये क्या करेंगे अगर आप इनको पेंशन नहीं देंगे, क्या कहेंगे आप इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़दार साहब? मैं कहूँगा कि मेरे 10-12 बेटे हैं, बच्चे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली, हम भूखे प्यासे हैं, और ये 3 महीने की पेंशन जो है बकाया है, यहाँ लोग जो हैं दुकानों वाले वो हमें उधार भी नहीं देते, हम क्या करें? हमारे पास 3 कनाल ज़मीन है, वो बेच दें और इनके बच्चों को दुआएं देंगे कि बाद दुआएं देंगे जो अभी वजीर हैं या अमीर हैं या मुशीर हैं, हाँ हमारी बाद दुआएं ना लें, हमारी दुआएं लें। आप इस नारे को नहीं समझ सकते, मर गए भूखे का नारा जो है ये शायद बहुत सारे पॉलिटिकल मकासद के लिए भी लगाते होंगे, वो भी लगाते होंगे जिनकी तनख्वाहें शायद 50-50, 60-60 हज़ार हों, लेकिन मर गए भूखे का नारा जिसकी 12,000 पेंशन है और 3 महीने से नहीं मिली, वो जो है वो लगा सकता है। मैं मिला हूँ जी इनसे भी, आगे आइएगा नाजिन, ये वो ट्रांसपोर्ट हाउस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जहाँ पर 1-2-3-4 नहीं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और मैं इस वक्त आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आगे आइएगा ज़रा, मैं यहाँ पर इन लोगों के दरमियान, इन गरीबों के दरमियान मौजूद हूँ, मेरे पास आइएगा ज़रा। और ये है ट्रांसपोर्ट हाउस, ये है ट्रांसपोर्ट हाउस जिसका दरवाज़ा इस वक्त जो है बाहर जो मज़दूर हैं, मेहनत कश हैं, 12-12 हज़ार, 8-8 हज़ार लेने वाले हैं, उनके आने पर ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, इसे लॉक लगा दिया गया है, इसे बंद कर दिया गया है, ये लोग अब अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अंदर बाख्तियार लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो जाकर वज़ीर आला पंजाब से, जो जाकर मिनिस्टर से उस चेक पर दस्तखत करवाने की इजाज़त ले सकते हैं जिससे इन लोगों को पेंशन मिलनी है, इनके घरों में दाल आनी है। ये बंद दरवाज़ा, मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आपसे कहता हूँ, मैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आपसे कहता हूँ, ये आपने दरवाज़ा गरीबों पर बंद किया है, उस वक़्त से डरें, उस वक़्त से डरें जब अल्लाह अज़्ज़ोजल
अल्लाह ताला आप पर अपने दरवाजे बंद कर दें, इख्तदार के दरवाजे बंद कर दें, ताकत के दरवाजे बंद कर दें, इज्जत के दरवाजे बंद कर दें, रिजक के दरवाजे बंद कर दें, ओहदों के दरवाजे बंद कर दें, आपके जो इख्तियारात हैं उनके दरवाजे बंद कर दें, दरवाजे खोल दीजिए। आपको हुक्मरान दरवाजे बंद करने के लिए नहीं बनाया, इन लोगों की बददुआएं लेने के लिए नहीं बनाया, इन लोगों की दुआएं लेने के लिए बनाया है। ये वक्त जो है गुजर जाएगा, बाकी बातें ये सारा जुल्म याद रह जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि PRTC के पेंशनर को आप पेंशन भी दें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो 15 साल बाद पेंशन डबल कर दी जाती है वो भी की जाए। ये जो 9,000-12,000 लेने वाले लोग हैं, ये लोग हैं, इनकी सुन लीजिए। एक नवाला किसी के पेट में जाएगा, एक नवाला किसी के पेट में जाएगा, उससे जो दुआ निकलेगी उसका इंतज़ार कीजिए। और अगर नहीं निकलेगी और वो भूखे होंगे, अपने बच्चों को देखकर आंसू बहाएंगे, तो फिर जो बददुआ निकलेगी उससे डरें, खुदा से डरें, इस बददुआ से डरें, उस बददुआ से डरें। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मेरे इर्द गिर्द जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, ये वो बुज़ुर्ग हैं जो 1996-97 में रिटायर कर दिए गए थे, जबरी रिटायर कर दिए गए थे, और महकमा ख़त्म कर दिया गया था पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। इसके कोई 17 मकामात पर डिपू थे, और वो डिपू जो थे उनकी अरबों रुपए की ज़मीन थी। अगर आप सिर्फ लाहौर में ही देखें तो आपको गार्डन टाउन में, आपको LOS में, लाहौर ओमनी बस सर्विस, बल्कि LOS मशहूर है मजांगचुंकी के साथ इछरे के दरमियान में, जो वहाँ पर गार्डन टाउन के अंदर, यहाँ पर जो थी अरबों नहीं बल्कि खरबों कह सकते हैं आप, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो सारी सरकार के पास गई। सरकार ने इन लोगों की शुरू में 288 रुपए पेंशन लगाई, 288 रुपए। चले वक्त गुजरता गया, बाद में शहबाज शरीफ साहब का दौर आया, पेंशन 6,000 रुपए हो गई। पीपल्स पार्टी का दौर आया, 12,000 रुपए हो गई। और उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर गुजरे हुए आप उसके बाद देख सकते हैं कि उसके बाद एक फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया, उसके बाद दोबारा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पहले खैबर पख्तूनख्वा में थी, अब मरकज़ में और पंजाब में भी हुक्मरान है, लेकिन इनकी पेंशन कितनी बड़ी, 10%। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बढ़ी हुई 10% बढ़ी हुई पेंशन भी 3 माह से घरों में नहीं जा रही। अब इशू ये है, असल सवाल ये है, सवाल ये कैसे गुजारा हो रहा है सर आपका? बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी। दुकानदार चीज़ें देने से मना कर दिया उन्होंने, वो कहते हैं पिछले पैसे दो फिर आगे देंगे, हम 3-3 महीने तक तो इंतजार नहीं कर सकते। दुकान का किराया वो कहते हैं हमने दुकान का किराया भी देना है, हमें पैसे दो पूरे तो फिर सौदा ले जाओ। हमने बिजली के बिल भी जमा कराए, 10,000 रुपया बिल आ जाता है, कभी कहीं से लेके जमा कराते हैं, खाने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, बड़ी मुश्किल है, किराया देने के लिए मुश्किल पड़ गई है। आप लोग आज यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज के लिए मौजूद हैं, ये पीछे ट्रांसपोर्ट हाउस है, आप लोगों ने कोई रब्ता नहीं किया, किसी से बात नहीं की? दस दिन से रब्ता कर रहे हैं, बल्कि 1.5 माह से कर रहे हैं। वो कहता है जी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हमारे 58 डिपो है पंजाब में 58। एक मिनट, ऊपर से क्या ऑर्डर नहीं है? कहता जी एक मिनट, सेक्रेटरी वो कहते हैं सेक्रेटरी फ्रांस अपना फ्रांस के दौर में ऑर्डर नहीं है, क्या आप इनके चेक पे दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि हमारी 19.5 करोड़ रुपया किराया आ रहा है, पेंशन 4 करोड़ है सर। बेवा दवाई के पत्ते लेके दर पत्ते फिर रही हैं, भीख मांग रही हैं बेवा, दवाई बोले तरस रही हैं, इन जालमों को शर्म दे रही बगैर, बेहिस हो गई है, इनको थोड़ी सी रत्ती पर शर्म हो डूब के मर जाए कि 14,700 मुलाजिम था सर, 4200 रह गया जिंदा, बेवा बढ़ गई हैं, बेवा झोले में उठा के उनको बदवाई दे रही हैं। कई बेवा कहती हैं हम लोगों के दर पे जाते हैं, ये पत्ता लो में दवाइयाँ ले दो, ये सीरप ले दो, ये डाकू राज ऊपर बैठे जो खा रहे हैं, टके का काम नहीं करते, सुबह शाम दे इसी कम में बैठते हैं, तो कहते हैं जी मैं 2 लाख से गुजारा नहीं होता, 8-8 लाख रुपये ये डाकू तनख्वाह ले रहे हैं, 8-8 लाख रुपया, पर हमें 12,000 को शर्म नहीं आती, 8 लाख तनख्वाह ले लेते हैं जी, 12,000 देने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये बेशरम हो गए हैं, बेहिस हो गए हैं, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म, ये बेवा का ख्याल कर रहे हैं, बुरा तो छोड़ो, बेवा का ख्याल कर ले, जिनके छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए कुछ चीज नहीं है,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 70 साल कोई बंदा घट नहीं, साढ़े वेख लो सारे बाबे ने, बाबिया असी बाकी हम बोनस से हाँ जी जिंदगी है 2-4 दिन सानू जिंदगी जो तड़फा दे पेने साढ़े को दवाइया जो कि पैसे नहीं असं हम दवाइया तो फिरने पे हैं घर खाना का खाना साढ़े को दवाइया के पैसे नहीं है इन्ना पहले साढ़े जबरन जबरी रिटायर किया सू गोल्ड शेक कर दिता उदो ना सा ग्रेजुएटी लाई ना साढ़े छुट्टिया के पैसे लाए 253 रुपये सानू को पुछता सी तुहाडी किन्नी पेंशन है असं शर्म के मारे दसते नहीं सा कि यार 253 दसीए ये तो सन 1901 की करे हैगी गलबात सानू उन्हें 97 रिटायर किया तो हूँ साढ़े का ये आलम आ गया 3 महीने हो गए असं बैठे हैं बच्चे साढ़े आपो अपने वक्रो वक्र असिया बीविया तो असी हूँ साढ़े दो जिया का गुजारा नहीं हो रहा मेरा 17,000 बिल आ गया जो उत्ते डिस्क्रेडिट के आर्डर आ गए हैं हूँ दसो मैं 17,000 कि मंगा कोई देगा मैं उधार बिल्कुल नहीं जुलम कर दे बिल्कुल नहीं यहाँ पर सलाम अलैकुम जी आप पेंशन लेने के लिए आई हुई है क्यों क्यों नहीं मिल रही पेंशन कोई भाई इतना जलील कर रहे हैं ये हद से ज्यादा 3 माह हो गए हैं सुबह शाम यकम को आ जाए इस यकम को आ जाए कि 3 माह हो गए हमारा किराए का मकान है मालूम का इतना जलील कर रहे हैं आपको कितनी पेंशन मिलती है मुझे मिलती है 8,900 रुपया 8,900 रुपया सिर्फ 8,900 रुपया बहुत बड़ी है ये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है कोई बड़ी अमाउंट नहीं है वो 8,900 रुपया भी उसमें से 50 रुपए कम है और आप 3 महीने से यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है आप आपके भी पेंशन का इशू है जी पेंशन नहीं मिल रही 3 महीने से दलील कर रहे हैं खराब कर रहे हैं ऐसा नहीं करना गरीब बंदे हैं असी लैने असी खाने हूँ इन्होंने चाहिए वो गरीबों का साथ करना अपनी दर्दी मदर्दी करनी 3 महीने हो चले शर्म नहीं आती बगैर वो ये इतने पैसे बना रहे हैं जो हमारा बंद वो नहीं दे रहे हमारे वो तो दिए हमें हम तो नहीं कहते इतना कर दो हमारा इतना कर दो बढ़ाने का तो आप कह ही नहीं रहे आप तो कह रहे हैं जो हमारे हैं जो हमारा हक बनता है वो दे दें जो हक बनता है वो दे कोई कोई नाजी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा कोई ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पर कि कोई हमें लाखों रुपया दे दिया जाए हमें ये मेरी बहन मेरी बड़ी बहन मेरी बुजुर्ग ये क्या कह रही है ये कह रही है 8,900 रुपया इनको मिलता है उसमें से भी 50 रुपये कम मिलते हैं आपको क्या पता कि एक एक रुपए की अहमियत क्या होती है और वो भी नहीं मिल रहा वो भी नहीं मिला 3 माह का मेरा किराया हो गया है मालूम का नज़लील कर रहे हैं जाहिर है उन्होंने जिन्होंने मकान किराए पे दिया हुआ है और छोटा सा घर होगा वो भी तो अपना उसी से खर्च चलाते होंगे ना बिल्कुल यहाँ पर मेन इश्यू हमारा सर 3 माह की जो पेंशन भरी वो बाल कीजिए।